सीतामऊ में करवा चौथ के पावन पर्व पर महिलाओं ने जमकर खरीददारी की। ऐसा माना जाता है कि महिला अपने पति की दीर्घ आयु हेतु महिला करवा चौथ का व्रत रखती है। कार्तिक वदी चौथ को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के साथ पुत्र और वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ के व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी सभी यह देखकर रोने लगे। जल से मुंह फुलाकर एक भाई वहाट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी से दीपक दिखाकर वंशिका की चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह अपना अर्थ देखकर भोजन के लिए बेटी पहले कोर में बाल निकला तो दूसरे कोर में छींक हुई। तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। उसे देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। सहयोग से इंद्राणी आई। वीरावती उसे देखकर विलाप करते हुए बोली कि माँ कि यह किस अपराध का फल मुझे मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। कि इंद्राणी बोली तुमने करवा चौथ का चंद्रमा को अर्घ दे दिया, यह सब उसी के फल से प्राप्त हुआ है। अब तुम 12 मास के व्रत करवा चौथ का व्रत और भक्ति से करो, पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती के 12 माह के करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया के प्रभाव से उनका पति देवता जीवित हो उठा। पंडित जी, क्या नाम आपका? नन किशोर द्विवेदी। कहाँ रहते हो? सीतामऊ। सीतामऊ, क्या है करवा चौथ का मामला? क्यों मनाती है महिला करवा चौथ का व्रत? पति की दीर्घायु के लिए।